26 अक्टूबर की शाम सारण के मढ़ौरा प्रखंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। वीडियो में एक शख्स तरैया प्रखंड के क्लर्क को थप्पड़ मारते नजर आ रहा है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मढ़ौरा प्रखंड का ही वीडियो है। वीडियो ने क्लर्क को तरातर 3-4 थप्पड़ मारे और क्लर्क लहूलुहान हो गया। दरअसल तरैया प्रखंड के क्लर्क का नाम मंजूर आलम है। मंजूर आलम पहले मढ़ौरा प्रखंड में ही काम करते थे। पंचायत चुनाव के 10वें चरण के नामांकन में मंजूर आलम अपने बेटे समीम अख्तर के साथ आए थे। मंजूर आलम का बेटा समीम अख्तर बीडीसी पद के लिए नामांकन करने आया था। इसी दौरान यह घटना घटी, लेकिन घटना के पीछे की वजह क्या रही, सुनिए खुद मंजूर आलम से। उनके लिए रोका था तो वार्ड का नोटिस रोक दिया गया कि नहीं, 4 बजे के बाद नहीं होगा। तो मेरे द्वारा बताया गया कि नहीं, सर जो अंदर अभी आ गया उसका नोटिस लेना है 4 के बाद। तो उनके द्वारा बोला गया कि अपने तकदीर कर रहे हैं, नहीं तकदीर छड़ा देंगे। हम बोले नहीं, हमें तकदीर नहीं करें। जो बाद हमको लाठी डंडा से मारा गया, सर फट गया है, ओट भी फट गया है। अपने सीनियर अफसर से बात किए, सब लोग बताया कि पहले वहाँ पर केस कीजिए। तो पहले तरफ केस करते हम आए हैं, घटना के संबंध में जब मनोज कुमार अग्रवाल से पूछताछ की गई, तो उन्होंने ये कहा कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास को खत्म करने के लिए अगर किसी को 2-4 थप्पड़ मार भी दिया जाए तो कहीं से गलत। देखिए, बहुत अफसोसजनक घटना हुई है। आज नामांकन शुरू ही हुआ था और थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई थी। वार्ड के काउंटर पे 6 काउंटर बनाया गया था, उसके बाद भी अत्यधिक भीड़ थी और महिलाएं अच्छी खासी संख्या में थी। तो वहां के जो ड्यूटी पे थे सब इंस्पेक्टर रामचरित्र राम जी, वो भागते हुए मेरे पास आए चेम्बर में और बोले कि मंजूर अली जो है वो बहुत अपशब्द बोल रहा है और अब बहुत ही अभद्र व्यवहार कर रहा है, और अगर वो वहां खड़ा रहा तो बहुत भारी तनाव पैदा हो सकता है और आपस में हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा हो सकता है। जिस ढंग की बात मुझे रामचरित्र राम जी ने आकर के मेरे चैम्बर में कही, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मुझे लगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव है ये किसी हालत में बिगड़ना चाहिए, और इसके लिए चाहे मुझे 2-4 थप्पड़ देना भी पड़े तो मैं दूंगा ताकि आगे जो है सब चीज ठीक ठाक रहे। बता दें कि नियम के अनुसार कोई सरकारी कर्मी किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं बन सकता और नामांकन के वक्त वह कार्यालय के भीतर भी नहीं जा सकता, लेकिन मंजूर आलम नामांकन के वक्त कार्यालय के भीतर ही खड़े नजर आ रहे थे। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।